गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे 7 मार्च ईवीआर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट में भी कुछ भी डाउट डाल सकते हैं। और ये पीडीएफ के लिए भी अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप एक लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको ज्वाइन करना है, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज मैं आपकी पहली रील अपलोड करूंगा, बिटकॉइन से रिलेटेड है। अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखी है तो वही वाली रील होगी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, और बहुत ही अब मतलब फ्रीक्वेंटली मैं ट्राई करूंगा उस पर भी अपलोड करने का। उसका भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो पेज है डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस, इसको आप जरूर से फॉलो कर लें। इसके ऊपर आप डेली मतलब डेली तो नहीं, थोड़ा फ्रीक्वेंटली मैं पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। फाइनेंस के बारे में सारी पोस्ट होंगी और आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में। तो अब शुरू करते हैं। इंडिया में पुल प्लग ऑन फेम टू आफ्टर नेक्स्ट पिक्सल। तो सबसे पहले पुलिंग द प्लग का मतलब है कि बंद कर देना, यानी खत्म कर देना। तो फेम टू, जिसकी हमने अभी बात की थी कि फेम टू अब आने वाला नेक्स्ट पिक्सल तक, नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक। सबसे पहले फिस्कल ईयर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, जैसे आपका नॉर्मल ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, फिस्कल ईयर में अप्रैल से लेते हैं नेक्स्ट मार्च तक। तो जो भी आपकी बैलेंस शीट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, एनुअल रिपोर्ट बनती है, ये सब फिस्कल ईयर या कह लो फाइनेंशियल ईयर में बनती है। तो फाइनेंशियल ईयर को ऐसे एफ वाई करके डिनोट करते हैं। एंड ये अगर एफ वाई 24 अगर हम लिखेंगे अभी, तो इसका मतलब होगा कि अप्रैल 1 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। तो अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो है एफ वाई 2024, आपको मैंने भी बता दिया। अब एफ वाई 2024 तक ये फेम टू वाली जो ये स्कीम है चलेगी। फेम टू वाली क्या स्कीम है, फेम का मतलब है फास्टर अडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये इनका आपका स्कीम का नाम है। अब इसका स्कीम का नाम टू क्यों लिखा है इस नाम के अंदर, क्योंकि इनका ये दूसरा फेज चल रहा है। पहला एक फेज एंड हो चुका है इसका, अभी दूसरा फेज चल रहा है। इसके अंदर क्या बेनिफिट देते हैं, इसके अंदर मेन बेनिफिट ये होता है कि जो भी कंपनी अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना लेती है, गाड़ी या फिर बाइक, तो उसको वो बेचती है अगर 40% कम दाम पर भी। अपने जैसे 100 मतलब जैसे 60,000 की थी लेट सपोज, अगर कोई ईवी थी, एंड अगर वो 40% कम दाम पर बेचते हैं, यानी कि 24,000 तक का डिस्काउंट देते हैं, तो वो 36,000 तक की भी बेचकर उसको 24,000 का जो डिस्काउंट उन्होंने दिया उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी की तरह क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे इसीलिए ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देनी है उस पर वेरिफिकेशन की बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसी के लिए ये लोग अभी इसको बंद कर रहे हैं। एंड अब जो ईवी के प्रमोशन के लिए बेनिफिट देंगे ये पीएलआई स्कीम के थ्रू देंगे, जो यहाँ पे लिखा है थ्रू ऑन गोइंग प्रोडक्शन, या फिर आप थोड़ा ऊपर से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेंटर कोड इंस्टेड ऑफर इंसेंटिव्स टू ईवी मेकर्स थ्रू ऑन गोइंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो आप समझ गए होंगे कि फेम टू स्कीम के अंदर क्या दिक्कत थी। फेम टू स्कीम के अंदर ये जो आप अपनी सेल करते हैं उसके ऊपर आप ये डिस्काउंट क्लेम करते हैं, ये लोग इसके अंदर चोरी कर रहे थे। मतलब कैसे चोरी कर रहे थे कि वो कुछ रियल में कुछ और कर रहे थे, रियल में ज्यादा प्राइस का बेच रहे थे एंड बिल अलग से प्राइस का बना दे रहे थे। तो बिल को वो सबमिट कराते थे गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं होता था। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। एंड यहाँ पर भी मैं अगर आपको पहले बताऊंगी फेम में क्या मिलता था, फेम में ये मिलता था जो मैंने आपको बताया अभी। अंडर फेम कंपनीज कैन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 40% ऑन द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स। हाँ, ये एक कंडीशन है इसकी कि लोकली मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए प्रॉपर आपका ब्रांड, एंड क्लेम इट एज अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये पहले इसका था, बट अब इसमें वही है कि क्लेम्स बहुत ज्यादा फेक भी आ जाते थे गवर्नमेंट के पास, इसीलिए अब गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे बेनिफिट देगी ना कि सेल्स पर। और वो प्रोडक्शन से बेनिफिट जो देना चाहेगी गवर्नमेंट वो पीएलआई स्कीम के अंदर दे देगी। तो इसीलिए ये अब नेक्स्ट ईयर से बंद हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर के बाद पीएलआई स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा ईवी वालों को। फॉक्सकॉन रीअश्योर्स कर्नाटका तेलंगाना और इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं आपको पहले बैकग्राउंड स्टोरी सी बता देता हूँ। फॉक्सकॉन के आपके चेयरमैन है यंग लुई बोलेंगे शायद इसको। तो ये इंडिया के टूर पे आए हुए थे फरवरी 27 से लेकर मार्च 4 तक। तो अब इनका हमने जब न्यूज मतलब जब इनका टूर खत्म हुआ पूरा, तब हमने न्यूज पढ़ी थी कि ये कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के दो प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चिप्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। तो अब हुआ क्या कि मार्च 4 को जब ये वापस अपने गए, ये ताइवान की कंपनी है, तो जब वापस ताइवान में गए ये, तब इन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दी क्योंकि ये अपने टूर के अंदर काफी सारे ऐसे लोगों से मिले एंड ये सब, तो बहुत सारा मीडिया वहां पे उनके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग गया कि बोला कि आपने क्या क्या अग्रीमेंट्स में एंटर कर लिया, आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वगैरह।
तो इन्होंने वहां पे जाके एक स्टेटमेंट दे दी थी कि फॉक्सकॉन हैज नॉट एंटर्ड इनटू बाइंडिंग डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स अग्रीमेंट्स फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग दिस ट्रिप. तो ऐसा हमने कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया है जो बाइंडिंग है हमारे ऊपर या डेफिनेटिव, ऐसा इनका कहना था. अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कर्नाटक और तेलंगाना को सीएम को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए ये थोड़ा वरी हो गए. अब इसी के लिए क्या करना पड़ा इनको, क्योंकि ये पता चला कि वो लोग थोड़ा अनश्योर हो गए हैं इन स्टेटमेंट को सुनकर, तो अब इनको क्या करना पड़ा, यंग लुई ने दो लेटर्स लिखे तेलंगाना को एक कर्नाटका के सीएम को कि हाँ जो हमने आपसे बात की थी वो होगा. जैसे यहाँ पे लिखा है कि हॉन्ग काय प्रिसिशन इंडस्ट्री, बेटर नोन एज फॉक्सकॉन, उसका दूसरा नाम है हॉन हाई प्रिसिशन इंडस्ट्री, हैज अश्योर्ड द गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना दैट इट विल वर्क विद देम टू फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बेस इन द कंट्री. तो वो ये कि इन पे काम करेंगे. अब इन्होंने क्या किया था, जैसे मैं आपको बता दूं कि कैसे किया था, ये अश्योर कराया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सेपरेट लेटर्स एड्रेस टू द चीफ मिनिस्टर, इन्होंने लेटर लिखा दोनों चीफ मिनिस्टर्स को. प्लेटफॉर्म टू अपडेट डिजीलॉकर डॉक्स वाया आधार इन वर्क्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिजीलॉकर जो लोग यूज करते हैं उनके लिए आधार के थ्रू सब चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी. ये सिस्टम ये गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है, यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है, डिजीलॉकर टू ऑटो अपडेट द एड्रेसेस एंड अदर डेमोग्राफिक डिटेल्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स थ्रू आधार ऑफिशियल्स. आधार से ही लिंक्ड होकर सारी चीज हो जाएंगी. तो ये बहुत बेसिक न्यूज है, आगे चलते हैं. एंड अब बीच में आती है पॉलिटिक्स की न्यूज, तो पॉलिटिक्स की न्यूज हम हर बार स्किप करते हुए आए हैं तो स्किप करेंगे एंड आगे चलते हैं. कम पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं, पर्सियो प्रॉफिट में भी कोई न्यूज नहीं आई है. ये बहुत ही लीगल न्यूज है. जी का केस अभी कभी मैं जब समझाऊंगा तब मैं ये कवर कर पाऊंगा. जी का आपका पहले लिक्विडेशन हुआ, फिर उसका मर्जर चल रहा है सोनी के साथ, तो उसके बाद अब सोनी की एक आईपीआरएस के साथ एक पहले एक नॉन कुछ अग्रीमेंट है, तो वो समझाना पड़ेगा पहले. तो उसके साथ दिक्कत हो रही है अब जी के साथ. बेसिकली जी और सोनी ने अपना मर्जर कर लिया है एंड सोनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है आईपीआरएस का पहले से था, तो ये चीज इन्होंने कंसिडर नहीं की थी. अब जी के जो भी एक्शन होते हैं वो इनके मर्जर को भी इफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये चीज हो रही है. मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा. अगर और कुछ इसकी न्यूज आती है फ्यूचर में तो फिर मैं डेफिनेटली इस पे एक थोड़ा सा टाइम लेकर आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा. इंडाइसिस बिल्ड ऑन फ्राइडेज बेस. फ्राइडे को हमने देखा था कि फ्राइडे को इंडाइसिस काफी गिर गए हैं, तो फ्राइडे बेस का मतलब है कि फ्राइडे को क्यों डिप आ गया तो उसके बाद बढ़ना थोड़ा आसान है. तो उसके लिए आपका बैंक दोनों आपके इंडाइसिस ने 0.7% का गेन शो किया है मंडे को. अच्छा, अभी फ्राइडे से क्यों कंपेयर कर रहे हैं मंडे को, क्योंकि आपको पता होगा सैटरडे संडे को मार्केट्स बंद रहते हैं. तो यहाँ पे बीएससी एनएससी हैव गेन 2% इन द प्रीवियस टू सेशंस. प्रीवियस टू सेशंस का मतलब हुआ कि फ्राइडे एंड टोटल आप उसकी बात कर सकते हैं कि मतलब मंडे की, तो दोनों को मिलाकर एंड 5.5 लाख करोड़ रुपीज टू इन्वेस्टर वेल्थ बढ़ गए. इन्वेस्टर वेल्थ का वही मतलब है कि स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है इन सबका शेयर जितना बनता है उसके अंदर कितना आया, तो ये चीज है. अब यहाँ पर कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटिंग ओवर फ्राइडेज गेन्स एज द कंटिन्यूड रिबाउंड इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स स्ट्रेंथन इन्वेस्टर सेंटिमेंट. तो वही हुआ कि अदानी ग्रुप मेन आपका ड्राइव कर रहा है इस पूरे को. अदानी ग्रुप क्योंकि फॉल कर गया था बहुत ज्यादा, तो स्टॉक मार्केट में भी फॉल देखने को मिला था, लोगों का सेंटिमेंट खराब हो गया था. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अदानी ग्रुप को आपको पता होगा कि वो जी जो आपका एक इनको डील मिली थी जी क्यू जी शायद जी जी अभी हम देख लेंगे एक और न्यूज उसकी भी है नाम एग्जैक्टली क्या था. तो उस डील के बाद जो उनको स्टेक उन्होंने बेच दिया फॉर $1 बिलियन शायद, तो उसके बाद थोड़ा लोगों के अंदर सेंटिमेंट बढ़ा है उसको लेकर एंड अदानी ग्रुप्स तो रिबाउंड कर ही रहे हैं और पूरा हमारा मार्केट भी सेंसेक्स निफ्टी भी रिबाउंड कर रहे हैं. आपको देखने को मिलेगा द सेंसेक्स एडवांस्ड 400 पॉइंट्स ऑफ 0.69% टू 60,224. 60,000 का लेवल जब तक क्रॉस रहता है तब तक काफी अच्छी बात रहती है सेंसेक्स के लिए. निफ्टी का क्या है, निफ्टी 117 पॉइंट्स बढ़ा है 0.67% क्लोज एट 17,711. तो निफ्टी का जो लेवल रहता है वो 18,000 का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर 18,000 मतलब हो जाता है क्रॉस हो जाता है तो आप एक साइकोलॉजिकली बुल रन मान सकते हैं. बैंक्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू रेज कैपेसिटी टू फेस विद यूपीआई. बैंक्स एंड सर्विस प्रोवाइडर मतलब हमारा जो आरबीआई है आज की डेट में बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, हर चीज में डिजिटलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे आपको यूपीआई के बारे में तो पता ही, यूपीआई इंडिया ने बनाया है और पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है. आज की डेट में यूपीआई में 26 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं इन अ डे एंड ये शक्तिकांत दास की स्टेटमेंट है आरबीआई के जो गवर्नर है कि ये 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है इन अ डे.
तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बैंक्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई बहुत ज्यादा अहेड है, तो यूपीआई आपका मार्केट शेयर ले जाएगा। एंड वही है कि मतलब बैंक्स के साथ स्टेबिलिटी ना खराब हो या सब रहे, तो यही चाहता है आरबीआई, इसलिए इन्होंने अभी ये पहले से ही वार्निंग की तरह इशू कर दिया। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि दे आर ऑल्सो रनिंग पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पता होगा, ये इंडिया की अपनी नेशनल क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। इसके अंदर ये मतलब ये इतनी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होगी, तो बट इसके ये वर्क एज अ डिजिटल करेंसी ही करेगी प्रॉपरली, रूपी मतलब जो होगा आपका, उसके अलावा एक और करेंसी बन जाएगी इंडिया की ऑफिशियल। तो ये आपका आई होप आपको क्लियर होगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसके अंदर तो आप बता सकते हैं, हालांकि बहुत बेसिक न्यूज है। अच्छा, एक एनपीसीआई वहाँ पे वर्ड लिखा है, एनपीसीआई का मतलब होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसके आपका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने आपका जो है यूपीआई बनाया है, एक्चुअली में एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया है, ये इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। आगे चले तो ये आपका अदानी स्टॉक्स का न्यूज आ गया जो मैं बोल रहा था, अदानी स्टॉक्स रैली फॉर द फिफ्थ डे, पांचवा लगातार दिन है जब अदानी स्टॉक्स बढ़े हैं। एंड 24 जैन जब काफी ज्यादा फॉल आया था इसके अंदर, तब से कितना इंप्रूवमेंट आया ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। मोस्ट अदानी ग्रुप स्टॉक्स रैलीड फॉर द फिफ्थ डे इन अ रो, हाँ ये रहा जीक्यूजी, मैंने सही बोला था, जीक्यूजी आपका पार्टनर जो है इनके साथ जो इनकी डील हुई है इसके बाद ये मेन बढ़ना शुरू हुआ है। डील क्या हुई थी, डील हमने कवर की थी वैसे, तो डील में आपका इन्होंने स्टेक बेचा है अपना, और इनके एक अदानी का एक ट्रस्ट है उसके अंदर उन्होंने काफी सारे जो भी हर चार कंपनी थी मेन, चार कंपनी के अंदर जितना भी स्टेक था उसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा अपना सेल किया। आगे चलते हैं, ये बीच में एक पॉलिटिक्स अगेन न्यूज है उत्तर प्रदेश, द मिडास टच। तो एंड आगे चलते हैं, इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर, ये काफी अच्छा सेक्शन है। पहली न्यूज तो बहुत ही अच्छी है, रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम टू कॉस्ट स्टेट्स डियर हिट स्पेंडिंग। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो लिखा है एंड न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, हम पहले चलते हैं सोर्स के ऊपर। ये एक पीएमए योजना के आपका वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम पहले मैं आपको बता दूं 2004 में ही बंद हो गई है, 2004 से आपका न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें भी कर रही है। बट अब क्या हो रहा है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ मतलब क्या होता है। द ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि इम्प्लॉई जो होते हैं, मतलब मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि पेंशन का मतलब पता है, पेंशन बहुत बेसिक चीज है, ओल्ड पेंशन से कवर करेंगे। ओल्ड पेंशन में क्या होता है कि इम्प्लॉई जो होता है उसको कोई आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, जो भी होता है वो आपका एम्प्लॉयर को ही करना पड़ता है। तो अगर जैसे आपकी सैलरी लास्ट आपको जो सैलरी मिली है रिटायरमेंट से पहले उसका 50%, उसका 50% बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का 50% आपको पेंशन की तरह मिलता रहता है। तो ये चीज होती है, और अगर आपको मतलब ये जो लास्ट सैलरी लेते हैं कि लास्ट आपकी 10 महीनों की एवरेज लेती है, एंड ये आपका इसके अंदर एक कंडीशन है कि 10 साल की एटलीस्ट आपकी सर्विस होनी चाहिए तब आपको ये पैसा मिलता है। तो ये आपका ओल्ड स्कीम है बेसिक। आप इसमें एक बात याद रखेंगे कि इम्प्लॉई को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, जो भी लोड रहता है, जो भी लायबिलिटी रहती है वो इम्प्लॉयर की रहती है, और 50% जितना अमाउंट उनको देना पड़ता है सैलरी का। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या हुआ, न्यू पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सबके लिए ओपन है। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज के लिए ही ओपन है, सबके लिए ओपन है। अब इसमें एटलीस्ट इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको अपनी सैलरी का 10% तो देना ही पड़ेगा एनपीएस के अंदर, एंड एम्प्लॉयर जो होगा वो अपना वो जैसे आपका 10% जितना भी है, आपका 10% मान लेते 10,000 रुपए, आपकी सैलरी 1,00,000 है एंड आपकी 10% हो गया 10,000 रुपए, तो आपका एम्प्लॉयर एटलीस्ट 14,000 उसके अंदर डालेगा, 14% ऑफ द सैलरी। तो इसका ये हो गया। अब इसमें होता क्या है, आप अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गवर्नमेंट को एम्प्लॉय जिसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर उनको कोई बेनिफिट नहीं देना, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कोई बेनिफिट नहीं देना, मतलब सारा बेनिफिट देना है बेसिकली, सॉरी सारा बेनिफिट देना है, बट आफ्टर रिटायरमेंट आपका सारा बेनिफिट देना है। तो एक पॉइंट के बाद आपकी सारी लायबिलिटी जनरेट होगी। अब न्यू पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट को कम बेनिफिट देना है, कम मतलब अमाउंट कम जाएगा बट रेगुलरली जाएगा, क्योंकि 14% कंट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये जो 10% और 14% है, टोटल 24% हो गया सैलरी का, तो वो आपका जाकर एक एनपीएस अकाउंट में चले जाएगा, एंड आप उस एनपीएस अकाउंट में से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपका रिटर्न जनरेट होकर आपको मिले। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन होते हैं, और इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, टीयर वन और टीयर टू होता है एनपीएस के अंदर। टीयर वन वाला जो होता है वो आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के पास ही जमा रहता है, एंड टीयर टू वाला जो आपका पैसा होता है वो आप कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं।
तो अब ये सब चीजें थी। अब आप इससे समझ गए कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की ज्यादा लायबिलिटी बनती है एंड इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता एम्प्लॉय का, एंड इसके अंदर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपका लॉक में भी पड़ा रहता है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा रिलीफ रहता है थोड़ा। बट इसके अंदर गवर्नमेंट को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैसा देना पड़ता है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कॉन्टिन्यूसली होता है। तो अब यहाँ पे समझेंगे क्या हुआ है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि 2004 आते ही, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं टैक्स वाले, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें अडॉप्ट कर लिया। तो अब उसकी वजह से स्टेट्स ने भी मतलब एज ए स्टेट लेवल पर उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वहीं पर करने लग गए। बट अब क्या हुआ कि अब 5 स्टेट्स ऐसी हैं जो वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम में मूव करना चाहती हैं। जो मैंने आपको अभी रीजन बताया कि उसके अंदर क्योंकि लेट आपका लायबिलिटी देनी पड़ती है, तो उसका इसीलिए ये बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब आपको भी यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, 5 स्टेट्स दैट स्विच टू ओल्ड स्ट्रक्चर लाइकली टू स्पेंड 2/3 ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यूज ऑन पेंशंस बाय 2046-47 तक ये अपना 2/3 टैक्स रेवेन्यू जो होगा वो पेंशन पे लगाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात नहीं है। पेंशन एक्सपेंडिचर इज अ कमिटेड लायबिलिटी, वंस कमिटेड रिसोर्सेज हैव टू बी विल हैव टू बी फाउंड टू पे देम। ये कमिटेड लायबिलिटी होती है, ऑब्वियसली बात है कि फिक्स पेमेंट होती है। In the short run, however, the states reverting to the old pension scheme may see an improvement in their finances as they would no longer have to make contribution to the national pension scheme accounts of the employees. तो आपको ये बता दिया मैंने कि अभी अगर एकदम से ये move कर जाएंगे old pension scheme पे तो कुछ भी होगा, इनको अभी तो contribution नहीं करना पड़ेगा, तो short run में इनका ये थोड़े finances अच्छे हो सकते हैं, but long run में मेरे हिसाब से तो ये काफी एक खराब move है। आगे चलते हैं। खैर डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शंस फॉर क्रॉप्स लाइफ स्टॉक इन द वर्क्स। तो आपको क्या है कि क्रॉप्स जितनी उनकी प्रोडक्शन होने वाली है, जितनी डिमांड होने वाली है, लाइफ स्टॉक मतलब होता है जो आपके फार्म के अंदर या बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए जो एनिमल्स यूज होते हैं, तो आपके हॉर्स हो गए, कैटल हो गई, सब ये सब होते हैं, तो इनकी कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, इनका कितना मतलब डेथ रेट या ये सब भी कैलकुलेट होगा। तो इन सब की गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस शुरू करना चाहती है नीति आयोग के अंडर, ताकि बेटर डिसीजन ले पाए अपनी, ये जो आपकी वेस्टेज से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएगी, कमोडिटी की प्राइसेस को मैनेज कर पाएगी एंड डाइवर्सिफिकेशन कर पाएगी कि अब क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या की चीज की डिमांड आएगी, तो डिमांड मीट करने में बेनिफिट रहेगा एंड फेच बेटर प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, यानी बेटर प्राइसेस हम दे पाएंगे फार्मर्स को अगर हम ये सब चीजें करेंगे। गवर्नमेंट्स थिंक टैंक नीति आयोग है सेट अप अ वर्किंग ग्रुप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रोजेक्शंस ऑफ क्रॉप्स लाइफ स्टॉक फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स टू असेस द प्रोजेक्टेड डिमांड फॉर 2025-2026। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली नीति आयोग के अंदर ये लाइफ क्रॉप्स लाइफ स्टॉक फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स, फिशरीज होता है आप समझ रहे हैं फिश से रिलेटेड, मतलब बेसिकली नॉन वेज या इसमें आप कह सकते हैं कि फिश से रिलेटेड जो भी आइटम रहती है जो लोग खाते हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजें होती हैं एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स। फिशरीज के अंदर मतलब बहुत बेसिक चीजें भी आती हैं, जैसे अगर आप राइस का फार्म देखते हैं, राइस के फार्म के अंदर भी पेस्टिसाइड या इंसेक्ट से बचाने के लिए कई बार फिश को छोड़ा जाता है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। एग्रीकल्चर इनपुट्स आप समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, तो वो सब भी इसके अंदर देखा जाएगा कि कितना उनका डिमांड रहेगा, कितना उनका सप्लाई मिलेगा एक्सपेक्टेड कितना है 2025 तक, 2026 एंड 2030-31, 2035-36। तो ये चीज बेसिकली है यहाँ पर, ये इसका मेन रीजन है यही रहा है कि पैंडमिक जो रहा एंड रशिया यूक्रेन का वॉर जो रहा, इसकी वजह से काफी सारे डिसरप्शंस आ गए एंड हम ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में भी ऐसा हो, तो इसके लिए इन्होंने ट्रिगर करी है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियोस रेगुलर आप रह रही हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।